दोस्तों, देश की जो आखिरी शिक्षा नीति थी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी, 1986 में आई थी, जिसका अमेंडमेंट 1992 में किया गया। लेकिन उसके बाद से जो ग्लोबलाइजेशन है वो दौर आ चुका है और व्यापार जगत बहुत ज़्यादा बदला है, तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन को भी चेंज होना ज़रूरी था। तो ऐसी कंडीशन में जो भारत सरकार है उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इंट्रोड्यूस किया है। अभी आचार्य मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल और साथ ही साथ आईबी मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया था कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है। तो आज हम देखेंगे इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से क्या क्या खास बातें हैं जो इसे पुरानी शिक्षा नीति से अलग करती है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लेमैन की भाषा में हमें इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की कोशिश की जाएगी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसके साथ साथ लक्ष्य भी रहेगा कि सन 2030 तक भारत में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें 100% इनरोलमेंट की जा सके, और साथ ही साथ एक और मुख्य लक्ष्य है कि वो 2 करोड़ बच्चे जो कि किसी न किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब तक जो हमारी एजुकेशन चलते थे वो 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी। अब हमारे जो फॉर्मेट है चेंज करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ला दिया गया है। दोस्तों, पहले 5 साल में बच्चे के लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चे को पढ़ना आ जाना चाहिए, इसके पीछे कोशिश की जाएगी, और ये जो स्टेज है 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी। इसमें बच्चा खेल कूद कर किसी भी ज्ञान को अर्जित करेगा, यानी किसी भी नॉलेज को गेन करेगा। अगली जो स्टेज है 3 साल की, उस 3 साल के अंदर में क्या होगा, इसमें आपकी 3 क्लासेज आ जाएंगी, 3rd, 4th और 5th क्लास। इन क्लासेज में आपको बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑल ओवर लाइफ आपको जो पढ़ने हैं उनके सब्जेक्ट से आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको कराया जाएगा। तो इसके अंदर सोशल साइंस भी आएगी, साइंस भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे खास बात क्या है कि जो पहले के 5 साल और बाद का 3 साल, यानी पहले 5 और 3, यानी कि क्लास 5th तक का जो प्राइमरी स्टेज है, वहाँ तक बच्चे को या तो उसकी मातृभाषा या उसकी क्षेत्रीय भाषा या उसकी राजभाषा में सिखाया जाएगा। यानी यहाँ पर जो अभी तक जो चल रहा था कि अंग्रेजी मीडियम को प्रॉपर एक तवज्जो दी जा रही थी या फिर उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था, तो उस स्टैंडर्ड को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा के हिसाब से सीखेगा, वो भाषा जो बोलता है उस भाषा के हिसाब से वो अपने जो नॉलेज है उसको गेन करे। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है या जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चेंज आया है वो ये आया है 6th क्लास से। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़े चेंजेस क्या है कि 6ठी क्लास से ही बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग मीन्स आजकल जो टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर स्मार्टफोन्स की होती जा रही है उसकी लैंग्वेज को बच्चा अभी से सीखेगा, और ये साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि जो बच्चा कोडिंग के पीछे ज़्यादा चलता है, मीन्स जो कोडिंग कर लेता है उसका जो लॉजिकल माइंड है वो ओपन होने लगता है। एक और खास बात 6th क्लास से क्या चालू होने वाली वो ये है कि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर 6th क्लास से ही दी जाएगी। यानी बच्चा अगर गार्डनिंग करना चाहता है या उसका जो इंटरेस्ट है वो अगर पॉटरी की तरफ है या फिर पेंटिंग की तरफ है, ड्राइंग की तरफ है, तो इस चीज़ की बकायदा एक वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स किया जाएगा जिसमें बच्चा 15 से लेकर 20 दिन की इंटर्नशिप भी करेगा। मीन्स जैसे अगर बच्चे को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है तो अपने ही किसी नुक्कड़ के किसी पेंटर के पास में, अपने ही शहर के किसी पेंटर के पास में जाकर 15 दिन का इंटर्नशिप का कोर्स कर सकता है, जिसके लिए बकायदा उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बच्चे को गार्डनिंग अच्छी लगती है तो अपने आसपास के किसी नर्सरी में जाकर वो इन चीज़ों को सीख सकता है, और इसके लिए उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एक और बड़ी बात कि साथ ही साथ इस चीज़ की भी कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे का जो भी नॉलेज का प्रोसेस चल रहा है, मीन से 3 साल की उम्र से लेकर ये जो 8th क्लास तक का जो पास होगा बच्चा, इस लेवल तक भी बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए या फिर उसकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अब हम चलते हैं जरा 9वीं से 12वीं क्लास में क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पर जो अब तक जो एक साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स की जो स्ट्रीम का जो एक रिजिडनेस जो चल रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, 9वीं क्लास से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साइंस के साथ साथ आपको कॉमर्स पढ़नी है, मीन्स अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स के साथ अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिबर्टी मिलेगी। इसके लिए भी एक परफॉर्मर तैयार किया जा रहा है, उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का ऐसा वो अपने एक सेट बनाएंगे, उन सेट में से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मीन्स इमेजिन करके देखिए, बच्चा जो कि फिज़िक्स पढ़ रहा है वो बच्चा साथ ही साथ हिस्ट्री में भी पार्ट ले पाएगा। देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो चल रहा है कि एक बच्चा IIT की तैयारी करने के बाद में, एक इंजीनियर बनने के बाद में बच्चा IAS की प्रिपरेशन कर रहा है। मीन्स उसने जितना भी इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ उसने पढ़ी होगी या सीखी होगी उन सारी चीज़ों को अपना साइड करते हुए अब वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा।
तो इस पर पहले ही ध्यान देते हुए ऐसा चेंजेस लाने की कोशिश की गई है कि जो बच्चा जो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है, फिज़िक्स के साथ साथ अगर उसका मन करता है कि ज्योग्राफी पढ़े या फिर केमिस्ट्री के साथ वो बायोलॉजी के साथ साथ में वो सपोज़ कीजिए अगर वो अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसके पास ऐसी लिबर्टी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो 10th क्लास का बोर्ड है उसकी कंपल्शन को ख़त्म कर दिया गया है। मीन्स नेशनल लेवल पर सिर्फ एक बोर्ड माना जाएगा जिसका नाम होगा 12th क्लास का बोर्ड। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अब सेमेस्टर मोड में होंगे। मीन्स अब आपको साल में दो बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसमें भी खास बात क्या है कि 360 डिग्री बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। 360 डिग्री एक एकेडमिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अंदर बच्चा जो पढ़ रहा है वो खुद को भी मार्क्स देगा, साथ ही साथ उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उसको मार्क्स देंगे, और प्लस में टीचर्स को तो मार्क्स देने ही देने हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा अपनी ग्रेडिंग को अपने हिसाब से तय कर सकता है। और एक और अच्छी चीज़ जिसकी एक लंबे समय से ज़रूरत थी वो ये है कि जो बच्चा जो है वो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ों से दूर जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा भागेगा। अब बच्चा उस चीज़ में ज़्यादा नंबर बना पाएगा जिस चीज़ की उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, या उस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा जिसमें बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी। यानी बच्चे को प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहना होगा, अब वो रट्टाफिकेशन वाला ज़माना जाने वाला है। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों के स्कूलिंग 2020 में ख़त्म हो चुकी है, जिसने 12th क्लास अपना 2020 में ख़त्म कर चुका है, उसके लिए बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इसकी हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कर दी गई, जो डिग्री है वो 4 साल तक की कर दी गई है, और इसमें भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन किया गया है। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या है, इसके अंदर में क्या चीज़ होगी, ये भी हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ क्या है, वो ये है कि एकेडमिक एक क्रेडिट का एक बैंक बनाया जाएगा। मीन्स क्या होता है कि जब भी कभी कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसको कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। उन क्रेडिट पॉइंट्स को इकट्ठा करके ऐसा मान लिया जाता है कि सपोज के जो उनका एक टारगेट है कि उनको 32 पॉइंट्स पर उनको डिग्री प्रोवाइड करा देनी है, तो 32 पॉइंट्स जैसे उस बच्चे के हो जाते हैं या उतने क्रेडिट वो ले लेता है तो उसकी डिग्री को उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसे एकेडमिक क्रेडिट का एक बैंक तैयार किया गया जो कि डिजी लॉकर के ऊपर सेट बेस्ड होगा। इसके अंदर क्या होगा, सपोज कीजिए कोई बच्चा पहले साल अपनी स्टडी को कर लेता है और उसके बाद किसी भी कारण से, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके घर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसके कारण अगर उस एजुकेशन को छोड़ देता है, तो अगली बार जब भी कभी एजुकेशन को रीस्टार्ट करेगा तो उसे वो फर्स्ट ईयर मान लीजिए उसने कर रखा है तो उसे फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो वहीं से ही कर सकता है स्टार्ट अपने एजुकेशन को जहां पर उसने छोड़ा था। और अच्छी चीज़ क्या है, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। मल्टीपल एग्जिट में क्या है, अगर बच्चा एक साल में करने के बाद में अगर अपनी एजुकेशन को छोड़ देता है, फिर ड्रॉप आउट कर लेता है, तो अभी तक क्या होता था कि एक साल की एजुकेशन ख़राब, आगे फिर उसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। अब क्या है कि अगर बच्चे ने एक साल का अगर लेवल कर दिया है तो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर बच्चा 2 साल में अगर एजुकेशन को छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा प्रोवाइड कराया जाएगा, और अगर बच्चा 3 साल में अपनी एजुकेशन को छोड़ता है तो उसको डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन 3 साल की डिग्री इस बात का सबूत होगी कि बच्चा आगे एजुकेशन अपनी नहीं परस्यू करना चाहता। अगर वो आगे अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाहता है तो उस कंडीशन में 4 साल की डिग्री है। इस 4 साल की डिग्री के बाद में वो बच्चा क्या करेगा, अपनी आगे की एजुकेशन को ले सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, और अगर वो आगे अपनी मास्टर्स पर अगर जाना चाहेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी मास्टर्स को करने के लिए। साथ ही साथ एक और नई चीज़ क्या कर दी गई, जो एमफिल है उसको ख़त्म कर दिया गया है, बच्चा सीधे मास्टर्स करने के बाद में पीएचडी कर सकता है। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर में है, अब तक भारत की जो एजुकेशन थी उसको मैक्सिमम 4.4% की GDP प्रोवाइड की जाती थी, अब वो GDP बढ़ाकर 6% तक कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये है वो चेंजेस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आए हैं। अब एक चीज़ अच्छी हो गई कि अगर बच्चा कभी 11th क्लास में 12th क्लास में अगर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद वो इसके ऊपर क्या प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करेगा, और वो उसके ऊपर यानी वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद वो उस चीज़ पर जॉब भी ले पाएगा। मीन्स अब तक क्या होता था कि बच्चे ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली या फिर अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, अब सीधी सी बातें होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो कर ली लेकिन उसको ट्यूबलाइट बदलना भी नहीं आता। तो मीन्स अब तक क्या होता था कि सारी जो नॉलेज थी वो थ्योरेटिकल होती थी, अब क्या होगा, अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कागज़ों में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और अगर इस चीज़ पर अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये शिक्षा नीति आ चुकी है तो इसके ऊपर शुरुआत भी कभी ना कभी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत जो है अब एक चेंज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स अब उसका जो एक जो स्टेप है वो उसने अपने आप को एक स्टेप आगे कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए,
दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो पर एक डिटेल्ड वीडियो बने तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।